Assalamu viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about the Overseas 1 block जिसका अगले महीने से पोजेशन हैंड ओवर हो रहा है और Overseas 1 ब्लॉक में ब्लॉक A स्पेसिफिकली जिसके बारे में आपको मैं 360 रिव्यू दूंगा. ये एक छोटी सी वीडियो है, नॉट मोर देन लॉन्ग मोर देन 6 मिनट्स और 5 मिनट्स. बेसिकली इसको वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगले महीने जब इसका पोजेशन होगा तब हम दोबारा कंपेयर कर लेंगे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कि ब्लॉक A में डेवलपमेंट एक महीने में क्या चेंजेस आए हैं. इनफैक्ट इस वक्त जब अपने स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक A और स्ट्रीट 1 की फुटेज है जहाँ पे गोल्फ कोर्स के अंदर बनने वाले विलास जिनका साइज़ बनता है 10 मरला, 15 मरला, 20 मरला एंड 40 मरला जो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर रेडी बन के नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे. ये जो विलास हैं बेसिकली 10, 15 एंड 20 मरला के हैं और रोड की ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन वाला काम आपको नज़र आ रहा है ये वाले जो विलास हैं ये 40 मरला यानी 2 कनाल के विलास हैं जो ब्लॉक ए में मेन 180 फीट रोड जो है उसके ऊपर बन रहे हैं. और ये स्ट्रीट 1 के विलास हैं जिनका इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इसमें कितना काम हो गया है कितना नहीं. मैंने रिसेंटली इनकी 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिनमें सिर्फ इनका जो बेसिक काम होता है मैसनरी वर्क जो चुनाई का काम होता है बेसिक शुरू का वो हो रहा था. अभी इसमें तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है. सेकंड के ब्लॉक सी ए में बनने वाली जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं जो ब्लॉक सी के अंदर जो 40 फीट की स्ट्रीट है हर घर के आगे जो स्ट्रीट होगी उसका काम तो उसमें मोस्टली जो स्ट्रीट्स हैं उनकी कारपेटिंग का काम हो गया है या आप कह लें कि उनके फिनिशिंग का काम हो गया है. और बाकी थर्ड स्टेप आता है कि इन स्ट्रीट्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का लगना. ब्लॉक ए में स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 4 बेसिकली 4 स्ट्रीट्स हैं और 4 लेन्स हैं इस ब्लॉक में और इन 4 स्ट्रीट्स और 4 लेन्स पे इस वक्त जो स्ट्रीट लाइट्स का काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है. इस वक्त हमने स्क्रीन पे स्ट्रीट नंबर 2 और स्ट्रीट नंबर 3 की फुटेज देख रहे हैं. तो जिन लोगों के प्लॉट ओवरसीज़ 1 ब्लॉक ए स्ट्रीट नंबर 2 और स्ट्रीट नंबर 3 पे बैलेट हुए हैं वो अपने प्लॉट को टैली कर सकते हैं कि इस वक्त उनके प्लॉट का स्टेटस क्या है. अगर हम बात करें कि ब्लॉक ए के 4 साइड्स की के पीछे वाली साइड पे जो ब्लॉक के है उसके डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है तो ब्लॉक के का डेवलपमेंट स्टेटस ये है कि अगर आपको फुटेज नज़र आ रही है बैकग्राउंड के तो इनिशियली ब्लॉक के में कटिंग वाला काम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था. कल मुझे इनफैक्ट किसी मेंबर ने मुझे कॉल भी की थी, मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि मैंने लेट्स से 10 मरला घर बनाना हो तो मुझे सबसे ज़्यादा फिजिबल ब्लॉक कौन सा है. जो उन्होंने बेसिक सवाल किया कि जिसकी लैंड कटिंग वाली हो तो मैंने कहा के ब्लॉक मैंने इसलिए कहा कि के ब्लॉक बी ब्लॉक में कुछ पार्ट था स्कूल के साथ वाला पार्ट कुछ पार्ट था जो कटिंग वाला था बाकी लेवल लैंड थी. जो के ब्लॉक का पार्ट है के ब्लॉक को सबसे ज़्यादा टाइम डेवलप होने में इसलिए लगा है कि के ब्लॉक में जो 10 मरला की प्लॉट्स हैं वहाँ पर जो लैंड थी काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ. अभी आपको नज़र आ रहा होगा पीछे भी इनफैक्ट अभी भी कटिंग मुकम्मल नहीं हुई लेकिन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई है. अगर आप इसी ब्लॉक ए और के की रिसेंटली 2 महीने पहले की फुटेज देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे मिट्टी की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी. इन ब्लॉक से फ़ायदा क्या होगा के ब्लॉक के यूज़र्स को कि उनकी लैंड जो होगी काफ़ी सॉलिड लैंड होगी. लेट्स से जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सॉलिड लैंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंस्ट्रक्शन में तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस मिलेगी वहाँ पे. बात करें ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के दरमियान जिस वक्त आप फुटेज देख रहे हैं ये जो ए ब्लॉक में जिन लोगों के 4 मरला कमर्शियल प्लॉट बैलेट हुए हैं 30 बाई 30 100 स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट बैलेट हुए हैं उन लोगों के प्लॉट की एरिया की फुटेज है. और इसके बिल्कुल सामने पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के दरमियान में जो रोड है उस रोड का नाम है लियाकत अली रोड और ये रोड जो है इसकी विड्थ 200 कुछ फीट बनती है. बहरहाल इस वक्त इसके डेवलपमेंट काम ये है कि ब्लॉक ए में तकरीबन जो सारे काम कंप्लीट हो गए हैं प्लस एक ओवरऑल जो खूबसूरती के लिए जो आप कह लें कि इसमें ग्रीन वर्क होना है जो फुटपाथ्स बनने हैं वो रहते हैं और फुटपाथ्स के अलावा जो साइडों पे कुछ आपका हॉर्टिकल्चर का काम होना होता है वो रहता है. बाकी ब्लॉक बी में आपको मैंने 360 वीडियो में सारा कुछ दिखा दिया कि ब्लॉक ए में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है. ब्लॉक ए का ही कुछ पार्ट कमर्शियल वाले जो प्लॉट्स हैं स्पेसिफिकली उनमें कुछ पार्ट की लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी है जो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं. इनफैक्ट अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं और ये पत्थर को क्लियर करते करते भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाएगा क्योंकि जो मुश्किल तरीन काम होता है किसी भी प्लॉट के डेवलपमेंट में वो होता है उसका अर्थवर्क. और अर्थवर्क में सबसे ज़्यादा मुश्किल आता है कि जिस जगह पे पहाड़ियाँ और मिट्टी की पहाड़ियाँ तो वो तो लेवल इजीली हो जाती हैं. अदरवाइज़ अगर लेट्स से इनकी जैसे पथरीली पहाड़ियाँ हों जैसे ब्लॉक ए में ये कमर्शियल वाले पार्ट में थी तो उनमें डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उस लैंड को बैलेंस करना लेवल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. पहले शुरू में ब्लास्टिंग से काम लिया जाता है कि पहाड़ों को तोड़ा जाता है. सेकंड स्टेप उस पर यह किया जाता है कि उसको पूरे पत्थरों को मशीनें लगा के ना क्रेन से उनको काटा जाता है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है. लेफ्ट साइड से तो आपको हॉस्पिटल का प्लॉट नज़र आ रहा है और उसके सेंटर में जहाँ पर मशीनरी काम करती हुई आपको नज़र आ रही है ये वाली बेसिकली एक्सेस 1 रोड को कनेक्शन है R1 रोड का. R1 रोड वो रोड है जिसकी विड्थ है 180 फीट और जो ब्लॉक A, B, C, D, E इवन के F ब्लॉक को भी कनेक्ट करता है. और जो एक्सेस 1 रोड है ये कनेक्ट करता है चक्री रोड को मेन एंट्रेंस से विद ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 और ये यहाँ से होते हुए 400 फुट की जो मेन रोड है आगे जाके मेन बनेगी रोड उस पर जाकर अटैच हो जाता है। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।